जिलाधिकारी रायबरेली से घर के मुख्य निकास के सामने से जबरन कूड़ा डालने के विवाद के संबंध में एक बार फिर लिखित शिकायती पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संतोष कुमार पुत्र पंचम निवासी पिंडारी खुर्द महादेवन का पुरवा तहसील सदर ने मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराई है कि अक्टूबर माह में घर के मुख्य दरवाजे के सामने से दबंगों का घूरा हटाए जाने की जिलाधिकारी से शिकायत की थी और इस संतोष के मुताबिक अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद अभी तक केवल सचिव ने जाकर मौका मुआयना किया और घूरा हटाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक आश्वासन केवल आश्वासन ही बनकर रह गया, जिस पर संतोष ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। और गांव के ही रामेश्वर पुत्र गंगा प्रसाद रामदास पुत्र प्रकाश ने उसके घर के बाहर निकलने वाले रास्ते और नाली पर विपक्षी जबरन भूमि कब्जा करने की नीयत से घूरा डाल रहे हैं, जिसकी शिकायत उसने कई बार की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अक्टूबर माह में डीएम से शिकायत की थी, जिस पर सफाई कर्मी और पंचायत सचिव मौके पर पहुंचे और मात्र कागजी खाना पूर्ति करके चले गए, जबकि विपक्षी अभी भी लगातार अपने घर का कूड़ा करकट और घूरा उसके दरवाजे पर डाल रहा है, जिससे संतोष के घर के मुख्य द्वार पर कूड़े का ढेर लगा है, जिससे हमेशा घर में दुर्गंध और बच्चे और परिवार के लोग परेशान रहते हैं। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आज जाबी शहर में एक घटना को बताने जा रहा हूं, जो कि सदर तहसील का मामला बताया जा रहा है और जिसकी शिकायत भी जिलाधिकारी महोदय से की जा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बताते चले कि जो है सरकारी आदेश किस तरह चलता है, किस तरह जमीन पे आके ठहरता है या जुड़ता है, ये दिखाते हैं आपको। अक्टूबर के महीने में शिकायत की गई, नवम्बर में जाँच पहुँची, दिसंबर महीना आ गया, कार्रवाई के नाम पर पीड़ित का कहना है कुछ नहीं हुआ, यानी कि केवल कागजों में कागज दौड़ते रहे, 3 महीने बीत गए। मामला कुल ये है कि जो है एक परिवार का कहना कि मेरे घर के ठीक बाहर यानी कि मुख्य दरवाजे से मात्र चंद कदम पर जो है एक कुछ परिलोगों ने अपना गोबर कूड़ा करकट डाल दिया है, जिसको हटाने के लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया, उनसे कहा तो उन लोगों ने मारपीट पर आमादा हो गए, फिर जाके इन्होंने जो है राबड़ी पुलिस अधीक्षक से लेकर जिलाधिकारी तक लिखित शिकायत दर्ज की, उसके बाद जो है जाके पहुँचा कौन मौके पर, पंचायत सेक्रेटरी जो पंचायत सचिव जिनका इनका कहना है कि पंचायत सचिव पहुँचे, उन्होंने अपने कागजों में कुछ नोट किया, लिखा पढ़ी किया और चले गए, कहा हट जाएगा। अक्टूबर के दिए हुए प्रार्थना पत्र पर दिसंबर तक में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम मिलते हैं पीड़ित से कि क्या मामला पूरा है, क्या नाम है, क्या पता, क्या अब तक उन्होंने कार्रवाई देखी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं कुंडारी खुर्द का रहने वाला हूँ, मदन करवा तहसील तो क्या मामला आपका है? घर के सामने घूर लगा रखे हैं, मैंने जिलाधिकारी को दिया था 29 तारीख को अक्टूबर में, उसके बाद वही नवंबर में आए थे सचिव, बोले कि इसको हट जाएगा, लिखा पढ़ी किया, इन परेशान में तो फिर हो जाएगा लिखा पढ़ी, तो करके जा रहा हूँ कि हटवा देंगे, कि दोबारा कोई आया ना कोई देखने आया, कभी भी ऐसा ही होता है, जब खुद कोई अधिकारी आता है देख के चला जाता है कि दोबारा कोई नहीं आता। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे घर से जो निकलते हो उससे कितनी दूर पे है? बस 10 कदम की दूर पे है, मेरे घर के जस्ट सामने है। और उस पे उसके बगल अगर जहाँ गई है वो रोड मेरी पक्की बनी हुई है, रोड बनी हुई, इसके बीच में नाली होती है सरकारी, और नाली में पाट रखा है लोग, तो नाली पानी भर जाता है, रोड पर बोरा जाता है, और हम लोगों के यहाँ मच्छर वच्छर सब लगते हैं, और अगर कचरा बहाते तो ऊपर भी जाता है तो झगड़ा कर लेते हैं। अच्छा लोग कहते हैं घूर तो छोट समझते हैं, थोड़ा बहुत और कितना है लगभग? कम से कम 2 टाली पास है इसमें, आज दिन बात पास क्या मतलब? मतलब गोबर है और वो करकट है, और उसके क्या कहते हैं जलाते हैं राख, राख फेंकते हैं तो घर पे पूरा जाता है। अच्छा घर में बीमारी फैलती है, मच्छर लगते हैं, बीमारी कोई कोई बीमारी रहता है, मैंने कई बार कंप्लेन दे चुका हूँ, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, मैंने कई लोगों से मतलब कि प्रधान से भी कहा, तो प्रधान भी कहा वो दबंग आदमी, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं, हम गरीब आदमी है, एक अकेले रहते हैं। तो ये था सरकारी आदेश जो कि अक्टूबर में चला, दिसंबर तक में अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब एक चीज़ बता दें कि जो है सरकार के एक आदेश है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जो है दबंगई से ज़मीन कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे दबंगई से ज़मीन कब्जा छोड़िए उसके घर से बाहर निकलना तक दुर्भर कर दिया है। देखते हैं इस पर कार्रवाई कब होगी। एक अक्टूबर के महीने में दिया प्रार्थना पत्र दिसंबर तक आते आते खत्म होने जा रहा है, यानी कि पूरा साल अभी खत्म हो जाएगा, हो सकता है जनवरी के नए साल में इनको शुभकामनाएं मिल जाएं। R9 भारत से संदीप मिश्रा रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। कहाँ पे जाने वाले? पिंडारी खुर्द महादेवपुरवा। तहसील कौन सी? रायबरेली थाना महाराजगंज। क्या मामला? घर के सामने घूर लगा रखे हैं।
कितना दूर? अरे दो टाली पास। तो कभी पहले मना नहीं किया क्या? कई बार मना किया, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, दबंगे था अपने साथ। तो फिर कहाँ शिकायत की? एस पी ऑफिस में दिया है, जिला अधिकारी को दिया है। तो कोई पहुँचा मौके पर? हाँ पहुँचे थे सचिव। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हटवा लेंगे लोग, कोई दोबारा हटवाया नहीं। आज कितने दिन हो गए? ये गए थे 20 तारीख को नवम्बर में। और शिकायत कब दर्ज की? 29 तारीख अक्टूबर में। पहले कौन सा दिन चल रहा है? आज 23 तारीख। महीना कौन सा? महीना है दिसंबर। 3 महीने में क्या कार्रवाई हुई अब तक ये तो बता दो। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब खाली सचिव गए? हाँ बस लिखा पड़ी किया, ऊपर चले गए। तो क्या कहा कब तक हटवाएंगे कुछ बताया? बोले थे हट जाएगा वो लोग, भैया कोई आया नहीं, हटाया नहीं। अरे तुम्हारे घर से कितनी दूरी पर है? घर के जस्ट सामने है, 10 कदम पर। नहीं घर के बाहर है कि? घर के सामने, जस्ट सामने है। और जो रास्ता है मेरे घर के सामने ही रास्ता, रास्ता भी नहीं आने जाने का हमको। तो रास्ते में है कि घर के अंदर? घर के रास्ते में पूरा, घर के सामने ही है, जस्ट इनको आना जाना पड़ता है। क्या चाहते हैं? उसको हटना चाहिए। अच्छा तब मौसम अगर बदलेगा तो गोबर है? गोबर है कि गंदगी बहुत फैल जाती है, तो बीमारी बीमारी मच्छर सब कुछ लगते हैं। अगर खुद उठा के फेंक दो तो झगड़ा कर लेंगे, मारपीट कर देते हैं। अगली बार किया है